ओडिशा के बालासोर की इस ट्रेन में सवार मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ निकले थे। उन्हें क्या पता था कि ट्रेन उन्हें मौत के करीब ले जा रही है। इस ट्रेन हादसे ने सभी को हिला कर रख दिया। इसमें अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे के पीछे की वजह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन फिलहाल रेलवे के एक अधिकारी का पत्र सामने आया है। इस चिट्ठी में रेल अधिकारी ने हादसे से करीब 3 महीने पहले ही बड़ी दुर्घटना का अंदेशा जताया है। अधिकारी ने बताया कि कैसे सिग्नल सिस्टम के खामे के कारण बड़े हादसे हो सकते हैं। जिस अधिकारी हरिशंकर वर्मा ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है, वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैनात हैं। वे 3 साल तक दक्षिण पश्चिम रेलवे में तैनात रहे हैं। वे तब प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर थे। उनकी तैनाती के दौरान दक्षिण पश्चिम रेलवे में ट्रेन को गलत लाइन पर जाने के मामले सामने आए थे। बता दें, हादसे में अब तक 275 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं। वहीं सूत्रों की माने तो ट्रेन हादसे में 110 लोगों की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। हादसे को लेकर जहां एक तरफ रेलवे ने ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी से इनकार करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है, वहीं बालेश्वर जीआरपी थाने में लापरवाही से मौत और गंभीर चोट लगने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।